आज बहुत खुशी का पल है और बहुत ऐतिहासिक दिन और तारीख है। हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक खानदान के एक पारिवारिक सदस्य हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक ये चाहता था कि जल्द से जल्द राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए काबा है, तो उसी तरह से हमारे हिंदू समाज के लिए राम जन्मभूमि है। और हम हिंदुस्तान में रहने वाले, जो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो कहीं ना कहीं से राम जन्मभूमि को काबा के रूप में देखना चाहता हूं और देख भी रहा हूं। और मैं चाहता हूं जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण के लिए जो ये अभियान चलाया गया है, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि समर्पण अभियान के तहत अपने अपने घरों से मैं अपील करता हूँ, सभी धर्म के लोग निकले, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। राम मंदिर निर्माण ऐसा होना चाहिए कि पूरे दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिक को, सभी धर्म के लोगों को निकल करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और राम मंदिर का निर्माण इतने भव्यता से होना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका था, इतने भव्यता से होना चाहिए कि अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग काबा में अगर हज पढ़ने जाएं, तो राम मंदिर का दीदार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना भव्यता से बनना चाहिए कि राम मंदिर उनको वहां काबा में भी याद आना चाहिए। जिस तरीके से हमारा काबा है, उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए राम जन्मभूमि है। तो हम सब पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित हैं। और हमारे तमाम मुसलमान भाई भी, अभी हमारा बात भी हुआ है लोगों से, सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और एक महीने के अंदर इतने हमारे अयोध्या की धरती से इतने हमारे मुस्लिम समाज के लोग निकल करके इसमें हिस्सा लेंगे। भगवान का ध्यान करें, काशी विश्वनाथ जी का ओम हरि ओम।